नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। देखिए दोस्तों, पिछली वीडियो में जो है हमने किसके बारे में बात किया था। पिछली वीडियो में हमने कुछ तत्वों की जो है परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को देखा था। ठीक है, परमाणु क्रमांक को देखा था और क्या देखा था, परमाणु द्रव्यमान को देखा था। ठीक, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को देखा था। ठीक है, और हमने क्या देखा था, और हमने यह भी देखा था कि क्या देखा था, और हमने यह भी देखा था कि सिंबल को देखा था। किसको देखा था, सिंबल को, कि इस चैप्टर में जो है किसको किस सिंबल से दर्शाया जाता है। ठीक है, हमने इतने सभी चीजों को देख लिया था। ठीक, और हमने आपको बताया था कि आप सभी को तैयार कर लीजिएगा जिससे कि यह चैप्टर जो है हमारा आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, हम सभी को यह चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। अगर आपको यह नहीं पता रहेगा, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान नहीं पता रहेगा, तो आगे जाके कठिनाई होगी। ठीक, तो हमने आपको इसलिए बता दिया था कि आप उन सभी को तैयार कर लीजिएगा और आप सभी लोग तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, और देखिए आज के इस वीडियो में जो है हम किसके बारे में बात करेंगे। हमने आपको बताया था कि हम देखेंगे मोलरता, देखेंगे क्या देखेंगे, मोलरता, और क्या देखेंगे, और क्या देखेंगे हम लोग, और हम लोग देखेंगे मोलरता। ठीक, और हम लोग क्या देखेंगे इसी वीडियो में, और हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, फार्मलता देखने वाले हैं। ठीक है, फार्मलता। तो चलिए हम लोग एक एक टॉपिक को एकदम बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक, आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। ठीक है, वीडियो को शुरू से लेकर कहां तक देखना है, अंत तक देखना है। अगर आप वीडियो को बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आपको ही दिक्कत होगा। ठीक, तो आप क्या करिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, नहीं तो आपको जो है अच्छे से पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, और जब पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी तो वह अधूरा ज्ञान हमेशा घातक ही होता है। ठीक है, तो इसलिए आप क्या करिए, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, जिससे कि आपको एक एक टॉपिक आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसको स्टार्ट करते हैं, मोलरता को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो देखिए मोलरता होता क्या है, आप लोग जो है कक्षा 11 में पढ़े होंगे कि मोलरता क्या होता है, पहले ही चैप्टर में दिया है, रसायन विज्ञान के फर्स्ट पार्ट में पहले ही चैप्टर में दिया है। ठीक है, देखिए मोलरता क्या होता है, अगर आपको कुछ पता होगा तो आप जानते होंगे कि मोलरता क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या है मोलरता, मोलरता को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक है, हम यहां पे लिखते हैं मोलरता, मोलरता को हम बताइए सबसे पहले इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं मोलरिटी, क्या कहते हैं, मोलरिटी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इस मोलरता को जो है हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक, तो हेडिंग आप लोग डाल लीजिए मोलरता। ठीक, हेडिंग डालिए ना, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग मोलरता, और मोलरता को किससे दर्शाया जाता है, कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। बताइए मोलरता हम किसे कहेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे परिभाषा लिख देते हैं और उसके बाद आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए एक लीटर ध्यान से देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, एक लीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित, एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, क्या कहलाती है, बिलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, क्या कहेंगे, एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है, क्या कहलाती है, बिलियन की मोलरता, बिलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, बिलियन की मोलरता हम किसे कहते हैं, एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, बिलियन की मोलरता कहलाती है। ठीक,
आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ है तो टेंशन मत लीजिए, आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद होगा, यहाँ पे क्या है, एक लीटर बिलियन में ना, देखिए एक लीटर बिलियन में, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पे क्या है, मोलरता है ना, मोलरता को किसे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, कैपिटल एम लिख लेंगे। ठीक, कैपिटल एम बराबर, मोलरता हम नहीं लिखेंगे, कैपिटल एम लिख लेंगे। ठीक, कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, देखिए क्या कहा है, एक लीटर बिलियन में उपस्थित है। ठीक है, कहाँ पे उपस्थित, कहाँ पे उपस्थित है, बिलियन में उपस्थित है। ठीक है, एक लीटर बिलियन में उपस्थित है। ठीक, विलेय की मोलों की संख्या क्या कह रहा है, एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, देखिए एक लीटर बिलियन में उपस्थित ना, तो यहाँ पे लिख देंगे बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन। ठीक, किसमें है बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन हमारा किसमें है, लीटर में है। ठीक है, बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक, चलिए यहाँ पे हम मोलरता ही पहले लिखते हैं, अभी हम लिखेंगे कैपिटल एम, यहाँ पे लिख देते हैं मोलरता। ठीक, बिलियन का आयतन लीटर में हो गया ना, अब देखिए बिलियन का आयतन लीटर में, अब यहाँ पे क्या है, विलेय की मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है ना, तो यहाँ पर देखिए बिलियन का आयतन लीटर में और ऊपर क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या। ठीक, क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई कि नहीं, देखिए क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पे हमारा, देखिए यहाँ पे हमारा कह रहा है एक लीटर बिलियन में उपस्थित, एक लीटर बिलियन में उपस्थित, यहाँ पे हो गया बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक, एक लीटर बिलियन में उपस्थित। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लीटर ना, लीटर है। ठीक, तो लीटर को किस में मापा जाता है, आयतन में। ठीक है, लीटर को आयतन में मापा जाता है ना, तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं बिलियन का आयतन किसमें है, लीटर में। ठीक, बिलियन का आयतन लीटर में। अब क्या है, एक लीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित है ना, एक लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, तो ऊपर लिख देंगे विलेय की मोलों की संख्या। जैसे कि परीक्षा जब होता है तो आपको नंबर मिलता है ना, जैसे कि पेपर हो रहा है आपका, पेपर हुआ और पेपर जो है 70 नंबर का है। ठीक, और 70 में आप कितना नंबर पाए हैं, मान लीजिए कि 70 में आप 60 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक, 70 अंक में 60 अंक प्राप्त किए हैं ना, तो यहाँ पे जो है 70 अंक नीचे लिखा जाता है और अंक जो होता है जितना प्राप्त किए रहते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है। ठीक, तो जिसमें मतलब कि जिसमें आप प्राप्त करते हैं उसे नीचे लिखा जाता है और जितना प्राप्त करते हैं उसको ऊपर लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे है, यहाँ पर भी ऐसे, देखिए एक लीटर बिलियन में है ना, एक लीटर बिलियन में उपस्थित। ठीक, तो इसीलिए इसी में तो उपस्थित है, बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक, इसी में उपस्थित है। अब क्या उपस्थित है, देखिए विलेय की मोलों की संख्या, तो यही उपस्थित है ना, तो इसको हम लिख देंगे ऊपर। ठीक, तो इतनी बात आप लोगों को आई होगी समझ में। अब इधर देखिए, यहाँ पे मोलरता को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। ठीक, अब विलेय की मोलों की संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं, मोल को बताइए, मोल को हम आपको बता देंगे किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विलेय की मोल है ना, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय का मोल है। ठीक, अब मोल को स्मॉल एन से दर्शाते हैं। ठीक, लेकिन किसका मोल है, विलेय का मोल है, तो विलेय के मोल को वी से दर्शाएंगे, एनवी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एनवी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे हमारा हो गया एनवी। ठीक, अब बिलियन का आयतन है ना, और आयतन को किससे दर्शाया जाता है, हमने आपको बताया था कि कैपिटल वी से दर्शाया जाता है। ठीक, और किसका आयतन है, बिलियन का आयतन है। ठीक, तो बिलियन के आयतन को जो है हम वी ए वी से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, वी ए वी से दर्शाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिख देंगे ए वी। इतनी बातें आई समझ में कि नहीं, अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया ना, अब यहाँ पे क्या है, एनवी है, एनवी यानी कि यहाँ पे क्या है, विलेय का मोल है। ठीक, विलेय का मोल है। अब यहाँ पर देखिए मोल बराबर एक सूत्र हमारा होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि मोल बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे चूंकि एनवी बराबर, यहाँ से हमारा हो जाएगा मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है। ठीक, तो भार को हम किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं। ठीक,
लेकिन किसका भार है, विलेय का भार है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी हो जाएगा, ठीक। और क्या, भार बटे अणु भार, अणु भार या आणविक द्रव्यमान दोनों एक ही चीजें होती हैं। और आणविक द्रव्यमान या अणु भार को हम लोग किससे दर्शाते हैं, एमबी से दर्शाते हैं, ठीक। एमबी से क्यों दर्शाते हैं, देखिए विलेय का है ना, तो इसीलिए हम क्या लिख दिए हैं, एमबी लिख दिए, ठीक। अगर विलायक का होता तो एमए हो जाता, ठीक। तो यहाँ पर इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए आगे क्या होगा, आगे हमारा ये हो जाएगा, देखिए अब इसके बराबर आएगा कैपिटल एम बराबर में, कैपिटल एम बराबर अब यहां से हमारे निकल के आ गए, देखिए एम बराबर यहां से निकल के आएगा एनबी के स्थान में, देखिए कितना हो गया, डब्ल्यू बी बटा एमबी हो जाएगा कि नहीं इसी के स्थान में, क्योंकि इसके बराबर हमारे यही होता है, ठीक। तो यहां पे हम लिख देंगे डब्ल्यू बी बटा एमबी, ठीक, इतना हो गया ना। अब आगे देखिए यहां पे क्या है, वी ए बी, तो यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा वी ए बी, ठीक। अब यहां पर देखिए यह किस में है, यह लीटर में है ना, यह हमारा लीटर में है, इन किसमें है, लीटर में है, तो यहां पर लीटर में है, ठीक। तो इसको हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, एमएल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो लीटर को जब एमएल में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या किया जाता है बताइए, जब लीटर से हम किसमें जाते हैं, एमएल में जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग 1000 से गुणा करते हैं कि भाग करते हैं बताइए, तो हम लोग 1000 से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक। जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जाया जाता है तो भाग कर दिया जाता है। तो ऐसे देखिए यहाँ पे लीटर है ना, तो लीटर से हम किस में जा रहे हैं, एमएल में जा रहे हैं, तो बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जा रहे हैं ना, तो हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। एक लीटर में कितना होता है, 1000 एमएल होता है, तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 1000 से भाग कर देंगे, ठीक। तो जब यहाँ पर 1000 से भाग होगा तो क्या होगा, ये 1000 जो है ऊपर चलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे और यह 1000 जो है ऐसे ऊपर लेकर चले जाएंगे, ठीक। तो यह वाला ऊपर चला गया और इतना हो गया, ठीक। तो अब ये किस में हो गया है, अब ये हमारा एमएल में हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे इन एमएल। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप क्या करिए, इन सभी फार्मूलों को रट लीजिए, देखिए क्या है, रटना उठना कुछ नहीं, ये चीजें आपको एकदम आसानी से याद हो जानी चाहिए, सब चीजें आसान है। देखिए कैसे कहेंगे, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल एम बराबर में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी गुणे 1000 बटे एम बी इंटू वी ए बी इन एम एल, बस आप इतना लिखिए। फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है मोलरता है, ठीक है। तो आप इतना लिख लीजिए, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पे अब अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, अगला टॉपिक हमारा यहाँ से है मोललता, क्या है, मोललता, ठीक। और मोललता को हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्या कह देंगे, मोलर मोललिटी कह देंगे, ठीक है, क्या कहेंगे, मोललिटी, ठीक है, क्या कह देंगे, मोललिटी, ठीक। और इस मोललता को जो है हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, स्मॉल एम से, तो यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल एम, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप लोग एकदम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परिभाषा लिख देंगे, उसके बाद आपको समझाएंगे, ठीक। देखिए यहाँ पे क्या होता है, मोललता हम किसे कहते हैं, देखिए एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है, किसे कहते हैं, एक किलोग्राम किसमें उपस्थित है, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, ठीक है, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है, बिलियन की मोललता कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, बिलियन की मोललता कहलाती है, बिलियन की मोललता
कहलाती है। ठीक, क्या है? कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, बस एकदम ध्यान से सुनते हुए जाना है। देखिए क्या है, मूलतः है ना, मूलतः किसे कहते हैं, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या बिलियन की मूलतः कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मूलतः बराबर में, मूलतः बराबर में क्या हो जाएगा, देखिए किसमें उपस्थित है, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि किसमें उपस्थित है। देखिए एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित है, ठीक, किसमें उपस्थित है, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे हमारा क्या आएगा बताइए, नीचे यहाँ पे हमारा आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान। किलोग्राम को किसमें मापा जाता है, द्रव्यमान में मापा जाता है ना, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा विलायक का द्रव्यमान। देखिए एक किलोग्राम विलायक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें है, देखिए किसमें है, एक किलोग्राम विलायक का, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, ठीक है, किसमें है, किलोग्राम में है, द्रव्यमान किसमें है, किलोग्राम में। ठीक, विलायक का द्रव्यमान, और देखिए क्या है, विलेय की मोलों की संख्या, यहाँ पर भी है विलेय की मोलों की संख्या, यहाँ पे लिख देंगे विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, इसको हम कोष्टक में एक कर देंगे, एक कोष्टक में हो गया। देखिए याद करिए तुरंत, क्या है मूलतः किसे कहते हैं, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या बिलियन की मूलतः कहलाती है। ठीक है, और मूलतः बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान किसमें है, किलोग्राम में। ठीक, ऊपर क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या। अब देखिए यहाँ पे हम इसको चलिए दर्शाते हैं, मूलतः को किससे दर्शाया जाता है, इस माध्यम से दर्शाया जाता है। ठीक, आगे देखिए क्या है, आगे घनी आबादी नहीं है, देखिए आगे हमारा है विलायक का द्रव्यमान है ना, तो विलायक का द्रव्यमान क्या है, विलायक का द्रव्यमान, अब बताइए विलायक को किससे दर्शाया जाता है, ऐसे दर्शाया जाता है। ठीक, और द्रव्यमान को किससे दर्शाया जाता है, द्रव्यमान को हम जो है W से दर्शाए थे ना, तो क्या हो जाएगा, W ऑफ A हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे नीचे हमारा हो जाएगा W ऑफ A किसमें है, किलोग्राम में, और ऊपर क्या है, विलेय की मोलों की संख्या विलेय है और क्या है, मोल है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, NB हो जाएगा, इतना हो गया। अब इसके बाद आगे क्या होगा हमारा, आगे यहीं से हमारा हो जाएगा, देखिए स्मॉल m बराबर में NB है ना, तो बताइए मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार, और भार को किससे दर्शाया जाता है, देखिए यहां पे हम लिख देंगे चूंकि NB बराबर में WB बटा MB। ठीक, अब यहां से लिखेंगे, अब यहां से लिख देंगे स्मॉल m बराबर में WB बटा MB, यहाँ पे WB बटा MB क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, NB है। ठीक है, तो NB के स्थान पे आ गया है WB बटा MB। अब नीचे क्या है, WA है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा WA से गुणा WA। ठीक, और ऊपर देखिए, ऊपर किससे गुणा होगा, तो देखिए किससे होगा, नीचे क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, किलोग्राम में है ना, तो किलोग्राम को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए बड़ी इकाई से छोटी इकाई में जा रहे हैं, तो जब बड़ी से हम छोटी में जाते हैं तो क्या कर देते हैं, क्या करते हैं बताइए, भाग कर देते हैं। तो देखिए एक किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1000 ग्राम होता है, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1 बटा क्या आ जाएगा, 1000 किलोग्राम आ जाएगा, बराबर में ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर देखिए क्या हो जाएगा, ये नीचे आया ना, भाग कर रहे हैं। ठीक, तो जब भाग करेंगे तो ये वाला ऊपर आएगा, तो देखिए जब ये ऊपर आएगा तो ये नीचे से हट जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1000। ठीक, तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, आप इसको तुरंत याद कर लीजिए,
स्मॉल एम बराबर क्या होता है डब्ल्यू बी गुणा 1000 बटा एम बी इंटू डब्ल्यू ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको तुरंत याद कर लीजिए। अब देखिए, अब अगला टॉपिक हमारा कौन सा है, अब चलिए हम देखते हैं मोलरता और मोलरता में डिफरेंस। यह बहुत फेमस प्रश्न है, हर एक परीक्षा में नहीं यूपी बोर्ड में जो है बरावी में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यूपी बोर्ड में बरावी में बहुत बार रिपीट ये प्रश्न हुआ है कि मोललता और मोलरता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तीन अंक में पूछा जाता है, किस में पूछा जाता है, तीन अंक में पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए हम लिखते हैं मोलरता और मोललता में डिफरेंस। आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद याद कर लीजिएगा। चलिए इसको हम यहाँ से मिटाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग अंतर लिखते हैं मोलरता और मोललता में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन, चलिए हिंदी में लिखते हैं, मोलरता तथा किसमें है, मोलरता तथा मोललता, मोलरता तथा मोललता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। ठीक है, इंग्लिश आप लोग लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। एक तरफ हम क्या लिख लेंगे, एक तरफ लिखेंगे परीक्षा में मोलरता लिखेंगे, और एक तरफ क्या लिख लेंगे, एक तरफ हम लोग लिख लेंगे मोलरता। यहाँ पे लिख लिया ना मोलरता, तो एक तरफ लिख लेंगे मोललता। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग मोललता। ठीक, तो देखिए हम इसमें अंतर कैसे लिखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम परिभाषा ही लिख देंगे कि परिभाषा इन दोनों का क्या है, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, परिभाषा लिख देंगे। देखिए परिभाषा क्या है हमारा, मोलरता का परिभाषा क्या है, अभी हमने आपको बताया कि मोलरता का परिभाषा क्या है, क्या है, हमने आपको बताया था एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, एक लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक, और मोलरता में भी हम लोग लिख देंगे, क्या लिखेंगे, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित। ठीक है, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित, एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। ठीक है, अब दूसरा अंतर चलिए लिखते हैं, दूसरा अंतर क्या होता है, देखिए दूसरा अंतर क्या हो जाएगा इसमें, देखिए यहां पे क्या है, विलयन के किसकी प्रधानता, यहां पे क्या है एक लीटर विलयन में ना, यहां पे क्या आया है, लीटर आया। ठीक है, और यहां पर क्या आया है, किलोग्राम आया है। ठीक, यहां पे क्या है, लीटर आया, मोलरता में क्या आया है, लीटर आया है, और मोललता में क्या आया है, किलोग्राम आया है। ठीक, तो यहां पे हम लिख देंगे, देखिए लिख देंगे इसमें विलयन की किसकी प्रधानता होती है, देखिए इसमें विलयन की आयतन की प्रधानता होती है। ठीक है, क्योंकि आयतन को जो है लीटर में मापा जाता है। ठीक, यहाँ पे लीटर है ना, तो यहाँ पे हम इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे आयतन। ठीक है, इसमें विलयन की आयतन की प्रधानता होती है, यानी कि प्रायोरिटी दी जाती है, प्रधानता होती है। ठीक है,
और यहाँ पे भी ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है किलोग्राम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें इसमें बिलियन की आयतन की प्रधानता होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा इसमें इसमें बिलियन की किसकी प्रधानता होती है, द्रव्यमान की प्रधानता होती है, इसमें बिलियन की द्रव्यमान की प्रधानता होती है, ठीक। और आगे देखिए अगला हमारा है, तीसरा अंतर हमारा है, देखिए इस मोलरता पर जो है ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, लिख देंगे इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ठीक, और मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, यहां पे लिख देंगे इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए हम तापमान को जितना भी बढ़ा लें, यहां पे क्या है आयतन है ना, तो तापमान को कितना भी बढ़ाएं उसका आयतन जो होगा परिवर्तित हो जाएगा, आयतन जो होगा ताप बढ़ाने से आयतन में क्या होता है परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, आयतन में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर जो होगा वह आयतन के समानुपाती हो जाएगा, टेम्परेचर आयतन के समानुपाती होता है, और यहाँ पर क्या है कितना भी हम तापमान बढ़ा लें इसके द्रव्यमान में जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझिए आप लोग, जैसे कि हमारा क्या है, जैसे कि एक गिलास दूध है, यहाँ एक गिलास दूध मान लीजिए है, सॉरी एक गिलास दूध ना मानिए पानी मान लीजिए, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं ये हमारा क्या है पानी है, ठीक, पानी जो है इतना भरा हुआ है, ठीक, इसको ऊपर से क्या कर दिया गया है ढक दिया गया, किसी चीज की सहायता से इसको ऊपर से ढक दिया गया है। अब यहाँ पर तापमान जो है हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर तापमान जो है हम लगा रहे हैं, नीचे से तापमान हम बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए ये जो पानी होगी इसमें क्या होगा, पानी में पानी जो होगी ये भाप में कन्वर्ट होगी, ठीक है, तो इसका आयतन अभी कितना है, इतना है इसका आयतन, ठीक, तो जब ये भाप में कन्वर्ट होगी तो ऊपर ऐसे जाएगी कि नहीं, तो जब ये ऊपर जाएगी तो देखिए इतना से कितना हो गया, इतना हो गया, यहाँ से इतना बढ़ गया कि नहीं, बढ़ गया ना, तो ऐसे हम कह सकते हैं इसके आयतन में जो है वृद्धि हो गई है, आयतन में वृद्धि हो गई, यानी कि टेम्परेचर जो होता है आयतन के समानुपाती होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर पानी कितना है, पानी हमारा यहाँ पर है 2 लीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना लीटर है 2 लीटर पानी है, और ऊपर से क्या कर दिया गया है ढक दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं तापमान हम बढ़ा रहे हैं, ठीक, तो जब यहाँ पर हम तापमान, यहाँ पे क्या किलोग्राम है ना, तो 2 लीटर पानी मत लीजिए 1 किलो चीनी ले लीजिए, ठीक, 1 किलो चीनी हम ले रहे हैं। अब यहाँ से तापमान जब हम बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, तापमान कितना भी बढ़ाने ठीक है इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर ये ऊपर से ढका है तो, ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर मोलरता में परिवर्तन जो है हो जाता है, ठीक, और यहाँ पर क्या होता है ताप बढ़ाने पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मोलरता पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, हमने आपको कहा था कि इसमें जो है हम फार्मलता को भी देखेंगे, तो फार्मलता जो है अगली आने वाली वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, अगली आने वाली वीडियो में हम फार्मलता और नार्मलता को देखेंगे, और ऐसे एक एक टॉपिक को एकदम आसान भाषा में समझते हुए जाएंगे, आपको सब चीजें एकदम आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही रखते हैं, आप सभी लोग इन सभी टॉपिक को जो है तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को खत्म करने से पहले आपको एक शायरी सुनाते हैं, उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जिंदगी जियोगे सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा, ठीक है, तो जिंदगी को जो है एकदम सच्चाई से जीना चाहिए। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।